ओम शांति। 1 मई 2023। आज के बाबा की मुरली का सार है, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अपनी उन्नति के लिए अमृत वेले उठ बाप को याद करो। सवेरे का समय कमाई के लिए बहुत बहुत अच्छा है। आज पापा कहते हैं, अपनी उन्नति के लिए अमृत वेले उठ बाप को याद करो। सवेरे सवेरे का समय कमाई के लिए बहुत अच्छा है। आज का प्रश्न है, सदा सलामत रहने का आधार क्या है? सदा सलामत किसे कहेंगे? बाबा पूछते हैं, सदा सलामत रहने का आधार क्या है? सदा सलामत किसे कहेंगे? बाबा ने उत्तर बताया, बाप की श्रीमत ही सदा सलामत बनाती है। कभी भी कोई दुख और तकलीफ नहीं होगी। तुम बच्चे इतने तकदीरवान बनते हो जो कभी किसी प्रकार की चोट नहीं लग सकती। आज बाबा ने सदा सलामत रहने का आधार क्या है उसके बारे में बताया है। बाबा कहते हैं, बाबा की श्रीमत ही सदा सलामत बनाती है। कभी भी कोई दुख और तकलीफ नहीं होगी। तुम बच्चे इतने तकदीरवार बनते हो जो कभी किसी प्रकार की चोट नहीं लग सकती। निरोगी काया बन जाएगी। तुम अपनी तकदीर की महिमा गाते रहो। जो उठते बैठते बाप की याद में रहते हैं वह है तकदीरवान बच्चे। उन्हें ही सदा सलामत कहेंगे। अब कहते हैं, जो बच्चे उठते बैठते बाप की याद में रहते हैं वह है तकदीरवान बच्चे, अर्थात वही बच्चे सदा सलामत कहलाएंगे। आज का गीत है, रात के राही रुक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, बुद्धि योग से सच्ची यात्रा करनी है। विनाशी धन के पीछे अपनी तकदीर नहीं गवानी है, सच्ची कमाई करनी है। बुद्धि योग से सच्ची यात्रा करनी है, विनाशी धन के पीछे अपनी तकदीर नहीं गवानी है, सच्ची सच्ची कमाई करनी है। दूसरा पॉइंट है, तन मन धन से पूरा फिलैंथ्रोपिस्ट माना महादानी बनना है। तन मन धन से पूरा महादानी बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए इंश्योर कर देना है। बाबा कहते हैं, अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए इंश्योर कर देना है। आज पापा ने वरदान दिया, दिव्य बुद्धि के बल द्वारा परमात्मा टचिंग का अनुभव करने वाला मास्टर सर्वशक्तिमान भव। दिव्य बुद्धि के बल द्वारा
परमात्मा टचिंग का अनुभव करने वाला मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाबा ने डिटेल समझाए, दिव्य बुद्धि को बुद्धि बल कहा जाता है। इस बुद्धि बल द्वारा ही बाप से सर्वशक्तियां कैच कर मास्टर सर्वशक्तिमान बनते हो। जैसे साइंस बुद्धि बल है लेकिन वह संसारी बुद्धि है, जैसे साइंस बुद्धि बल है लेकिन वह संसारी बुद्धि है, इसलिए इस संसार के प्रति, प्रकृति के प्रति ही सोच सकते हैं। साइंस वाले संसारी बुद्धि है इसलिए वह सिर्फ संसार के प्रति और प्रकृति के प्रति ही सोच सकते हैं। आपके पास दिव्य बुद्धि का बल है जो परमात्मा प्राप्ति की अनुभूति कराता है। अब कहते हैं आप बच्चों के पास दिव्य बुद्धि का बल है जो परमात्मा प्राप्ति की अनुभूति कराता है। दिव्य बुद्धि द्वारा हर कर्म में परमात्मा प्योर टचिंग का अनुभव कर सफलता का अनुभव कर सकते हो। दिव्य बुद्धि के बल से माया के वार को हार खिला सकते हो। आज का स्लोगन है, मास्टर ज्ञान सूर्य बन सर्व को ज्ञान की लाइट माइट देने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। मास्टर ज्ञान सूर्य बन सर्व को ज्ञान की लाइट माइट देने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।